हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कल हमने देखा था लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी और उनके एग्जांपल्स। आज हम लॉग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन डी, लॉग बेस 10 1, लॉग 1 की वैल्यू फॉर एनी बेस ए। लॉग 1 की वैल्यू फॉर एनी बेस ए क्या होती है? 0 होती है। कल हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, तो ये हो सही है। हमको क्या बताना है? हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये भी मैंने बताया था कि जब बेस और ये सेम होते हैं तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी करेक्ट है। इसको देखते हैं, लॉग 2 + 3 = log 2 × 3। ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? log x plus y is equal to log x into y। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। log x into y is equal to log x plus log y होता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। और log 1 plus 2 plus 3 is equal to log 1 plus log 2 plus log 3, ये भी सही है। तो इसको देख लेते हैं हम, ये कैसे सही है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। तो देखिए, इसको देख लेते हैं ये कैसे सही है। तो ये लिखा हुआ है log 1 plus 2 plus 3 is equal to log 1 plus log 2 plus log 3। हम ले लेते हैं, ये है LHS और ये है RHS। हम ले लेते हैं LHS। देखिए, ये है 1 plus 2 plus 3 कितना हो जाएगा? log 6 हो जाएगा। log 6 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। log 6 को क्या लिख सकते हैं? log 2 into 3 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, जो इसको हमने log 2 into 3 लिखा, तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 into 3 into 1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2, 3, 1 ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने इसको लिख दिया log 1 into 2 into 3 ऐसा। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, log x into y into z is equal to होता है log x plus log y plus log z। तो ये हो जाएगा log 1 plus log 2 plus log 3 is equal to RHS। तो LHS is equal to RHS। तो ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ log बेस 512। तो हमको वैल्यू बताना है log बेस 512 की। तो हमें पता है कि 512 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 9। अगर आप 512 को फैक्टराइज करेंगे तो 9 टाइम्स आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 to the power 9, 512 होता भी है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log m to the power n is equal to क्या होता है? n log m। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो पावर होती है, पावर कूद के आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा 9 log बेस 5 2। अब देखिए, हमें जो है तो बेस 10 पर log 2 की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें बेस 5 पर log 2 की वैल्यू नहीं पता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, आइए देख लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे 9 इंटू, ये हो जाएगा log 2 अपॉन log 5, बेस ले लेंगे 10। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, log बेस a b इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको log b बेस c अपॉन log a बेस c। कोई भी एक सेम बेस लेकर के हम इसको लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। फिर चलिए आप देखते हैं इसको, log बेस 10 पर 2 की भी वैल्यू पता है, log बेस 10 पर हमें 5 की भी वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगी 9 इंटू 0.301 अपॉन 0.699। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.709 डिवाइड बाय 0.699।
फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ये हो जाएगा 2709 डिवाइड बाय 699। अब ये 699 लगभग 700 के बराबर ही है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2709 डिवाइड बाय 699, 3 point something आएगा ये एक बार 3 times, तो 7, 9, 20 ये आ जाएगा। तो 9 में से 7 गए 2, 10 में से 9 गए 1, 6 में से 0 गए 6 और 0, 612 बचा। फिर यहाँ पे लगेगा पॉइंट, फिर यहाँ पे आएगा 0, तो 3.4 something ये आ जाएगा, 3.4 something अप टू 1 digit या 2 digit से आप इसके ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2 10। अब बेस 2 पर 10 की वैल्यू बताना है हमें, तो बेस 2 पर तो नहीं पता, बेस 10 पर पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे लॉग बेस 2 10। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, कहीं पे ऐसा लिखा है लॉग बेस ए बी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 1 upon लॉग ऑफ बी ए। जो वैल्यू होती है वो बेस में आ जाती है, जो बेस होता है वो ऊपर चला जाता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 upon लॉग बेस 10 2। अब बेस 10 पर 2 की वैल्यू हमें पता है, तो बेस 10 पर 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301। अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर आ जाएंगे 3 जीरो, तो हो जाएगा 1000 upon 301। किसकी वैल्यू हो जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू हो जाएगी बेस 2 पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉग 80 की वैल्यू पूछ रहा है, लॉग 80 की वैल्यू बेस 10 पर हमें बतानी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं लॉग की, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 into 8, 80 को क्या लिख सकते हैं 10 into 8, बेस 10। अब ये प्रॉपर्टी बन जाएगी log x into y, तो log x into y क्या हो जाएगा, log x plus log y, तो log बेस 10 10 plus log बेस 10 8। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि और ये दोनों तो सेम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा बेस 10 2 की पावर 3। अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, log m to the power n is equal to n log m, पावर आ जाएगी कूद के आगे, तो हो जाएगा 1 plus 3 into log base 10 2। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 plus 3 into log 2 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 0.301, तो हो जाएगा 1 plus ये हो जाएगा 309, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1.903, ये हो जाएगा हमारा आंसर सर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें होगा आगे क्वेश्चन, इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y। तो देखिए हमें दिया हुआ है a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y, हमें इनमें से बताना है कौन सा सही है, तो हमें सब में log दिख रहा है, तो मतलब हमें इसमें log लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log both साइड, जो करेंगे दोनों साइड करेंगे, एक साइड करेंगे तो दूसरे साइड वाला बुरा मान जाएगा, तो log a टू दी पावर x इज इक्वल टू log b टू दी पावर y। अब देखिए दोनों साइड सेम प्रॉपर्टी लगेगी, log x की पावर m, log x की पावर m या m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, पावर कूद के आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा x log a इज इक्वल टू y log b। अब देखिए, अब log b को आप
इक्वल के उधर साइड ले जाइए और एक्स को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी इज इक्वल टू, इधर बचेगा वाई अपॉन एक्स आ जाएगा नीचे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी कलकत्ता, लॉग ए अपॉन लॉग बी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वाई इफ लॉग बेस एक्स वाई इज इक्वल टू 100 एंड लॉग बेस टू एक्स इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए हमें दिखा हुआ है लॉग बेस एक्स वाई इज इक्वल टू 100, दिस इज लॉग फॉर्म, वी कैन चेंज दिस लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म। लॉग फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये बेस उठ के 100 के बेस में चला जाएगा और लॉग हट जाएगा, तो बचेगा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100। लेकिन वाई की वैल्यू क्या चाहिए, लिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे, ये भी लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा 10 के बेस में और लॉग हट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 टू द पावर 10। अब हम रख देंगे यहां पे, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स की वैल्यू 2 टू द पावर 10 होल पावर 100 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1000 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लॉग 16 की वैल्यू पूछ रहा है बेस 2 पर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। अब इसमें लॉग प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग m की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 4 लॉग 2 और 2, ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए, आप इसको सेव भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए, इसकी बीच बीच में एक एक हफ्ते 15-15 दिन में आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, जिससे आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 0.0001, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power -4, 10 to the power -4 क्या हो जाएगा 0.0001। अब ये फिर से पावर कूद के कहां आ जाएगी? आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -4 लॉग 10 और 10, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो हो जाएगा -4 × 1 = -4, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 लॉग बेस 2 एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड एक्स, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे, कल करवाया था कि कैसे करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, इस चीज को हम मान लेंगे क्या बच्चों? एक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, इसको मान लिया एक्स, और ये जो 2 है ये 1 के बेस में चला जाएगा और ये लॉग हट जाएगा, लॉग फॉर्म टू एक्सपोनेंट फॉर्म, तो ये बचेगा बच्चों लॉग बेस 3 लॉग बेस 2 एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस, फिर से ये लॉग फॉर्म में है, हमने इसको x कंसीडर कर लिया, ये 3 जो है 2 के बेस में चला जाएगा और लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? लॉग बेस 2 x इज इक्वल टू 3 to the power 2, दैट इज 9। देन अगेन दिस इज इन द लॉग फॉर्म, वी विल चेंज दिस लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म, तो ये 2 कहां चला जाएगा? 9 के बेस में, और लॉग हट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों? x इज इक्वल टू 2 to the power 9, और 2 to the power 9 हमने अभी देखा कितना होता है? 512, 512। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बस आज इतने ही हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको बता दें, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नीट का फिजिक्स का सिलेबस, जेई का फिजिक्स का सिलेबस, सीयूईटी का, आईसीएआर का फिजिक्स का सिलेबस आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हम करवाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फायदा ले सके। अब देखिए होता क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी है, मटेरियल बहुत सारा है, दिक्कत वहां पे आ जाती है बच्चों को कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए, कितना हम पढ़ लें कि हमारा अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाए, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी।
तो यहाँ पे टॉपिक वाइज जब हम सारे टॉपिक कवर करेंगे तो टॉपिक वाइज मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से सारे एग्जामिनेशन के लिए जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे हम उनको आपको बताते जाएंगे। तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। अभी आपका बेसिक मैथ्स चल रहा है, 20 क्लासेस होंगी बेसिक मैथ्स की। बेसिक मैथ्स जैसे खत्म होगा तो हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, 11th की पूरी फिजिक्स, 12th की पूरी फिजिक्स, पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।